हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? फिर से आ गई मैं नई रेसिपी के साथ। आप सभी को जय माता जी। आप लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो। तो देखिए, मैं आ गई यहाँ पे और जो है सिंघाड़े के आटे की हलवा की रेसिपी लेके, जो व्रत में खाए जाते हैं और बहुत आसान तरीके से बन भी जाते हैं। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई रखी हूँ, अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। और यहाँ पर मैंने डाल दिए घी, तीन चम्मच घी डाल दिए। जरूरत पड़ेगा तो मैं थोड़ी सी अब बाद में और भी डाल सकती हूँ। घी को अच्छी तरीके से गर्म कर लेते हैं। और आप लोग किस किस जगह पे जाके डांडिया खेले हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग की नवरात्रि कैसी जा रही है? तो यहाँ पे देखिए, मैं घी को अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे गर्म कर लिया है। अब यहीं पे और जो सिंघाड़े का आटा डाल देते हैं, अब इसको फ्राई करेंगे। जैसे मतलब आटे जो बनाते हैं और गेहूँ के आटे के अलावा, सेम उसी तरीके से ये फ्राई करेंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग किस तरीके से सिंघाड़े आटे की जो है हलवा बनाते हैं। और अभी दो एक दिन और बच गया है, मतलब जो है नवरात्रि के, तो मैं कोशिश करूँगी अच्छी अच्छी रेसिपी जो है इसी तरीके की मैं लेके आऊँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लूँ। और घी और कम पड़ेंगे तो मैं थोड़ी सी और डालूँगी, यानी कि एक चम्मच, तो कम नहीं पड़ेंगे। और गैस को यहाँ पे मीडियम कर देते हैं, क्योंकि अगर हाई पे रखूँगे तो जल जाएंगे, पकेंगे नहीं। तो मैंने गैस को यहाँ मीडियम रख दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए तब तक। और आप लोग क्या व्रत में कौन सी रेसिपी आप लोग खाते हैं, कौन सी डिश बना के खाते हैं, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ पे देखिए, इसको जो है घी की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। क्वांटिटी ठीक थे घी के और आटे के भी क्वांटिटी सेम थे। यहाँ पे देखिए, मैं इसको फ्राई करना चालू कर दिए। तो यहाँ पे गैस को मैंने मीडियम में रखे, हाई पे नहीं रखे। इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे और गैस को बिल्कुल लो कर दिए एकदम, क्योंकि हल्की हल्की आँचों में ये जो है ना गैस में पकते हैं ये। तो इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। और जब तक जो है ड्राई फ्रूट जो है मुझे डालने हैं हलवा में, वो भी कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट उसको भी कटिंग कर लेते हैं। जब तक ये फ्राई हो रहे तब तक मैं ड्राई कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको फ्राई कर रही हूँ। हल्का हल्का गोल्डन हो रहा है कलर, आप देख पा रहे हो इसका कलर भी चेंज हो रहा है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। इसको धीमे धीमे ऐसे ही मैं इसको फ्राई करूँगी जब तक है। और मैंने ड्राई फ्रूट लिया है कुछ, मैंने दो चार काजू, थोड़ी किशमिश, दो चार बादाम और थोड़ी सी काजू मैंने लिए। तो चलिए फटाफट इसको कटिंग कर लेते हैं जब तक ये लाल हो रहे तब तक। और इसको भी बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक इसको ड्राई फ्रूट को कटिंग कर लेते हैं। तो कलर देखिए, कलर भी चेंज हो गया है और बिल्कुल गोल्डन हो गया जैसा चाहिए, बिल्कुल वैसे ही। इसमें डाल देते हैं पानी। आप चाहे तो यहाँ पे पानी गर्म भी डाल सकते हैं, बट मैंने गर्म नहीं डाले हैं। यहीं पे डाल देते हैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट जो भी मुझे डालने हैं, चीनी भी यही डालेंगे, काजू डाल दिए, बादाम डाल दिए, किशमिश, थोड़ी सी पिस्ता। ये हलवा बहुत टेस्टी बनते हैं, एक बार जरूर बनाइएगा नवरात्रि में। यहाँ पर डाल दिए चीनी, उसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तो
इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया और अच्छी तरीके से मैंने इसको फ्राई किया जो है ना, और खुशबू जो है सोना सोना टाइप में। कलर देख पा रहे हैं कितने अच्छे कलर आए हैं हलवा के। इसको हल्का सा भून लेते हैं, गैस को मैंने कर दिया मीडियम पे। बन के बिल्कुल परफेक्ट हो गया, तैयार हो गई है। इसको मैं अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। और कलर भी बहुत लाजवाब कलर आए हैं, कैमरा में आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे लेकिन कलर बहुत अच्छे आए हैं। गैस को कर देते हैं यहाँ पे बंद। चलिए मैं इसको अलग से बर्तन में निकालते हैं हलवा को। कुछ इसी तरीके की आप नई नई रेसिपी बनाई है नवरात्रि में और मैया रानी को भोग लगाइए। यहाँ पे देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है ठंडे होने के लिए। वैसे तो गरम गरम आप भोग लगाइए और मैया रानी को प्रसाद चढ़ाइए और बांटिए। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से इसको डेकोरेट कर लेते हैं ताकि जो है और देखने में भी अच्छे लगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल रही हूँ यहाँ पर। तो नवरात्रि में नए नए डिश बनाइए और भोग लगाइए और बच्चे लोग को बांटिए। तो देखिए फाइनली ये बन के बिल्कुल तैयार हो गए। तो कैसे लगी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तो मैं कोशिश करूंगी कि पूरी नवरात्रि जो है बिना लहसुन प्याज का ही जो है रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँ मैं। और आप लोग को मेरी रेसिपी कैसे लगते हैं ये भी कमेंट में लिखना ना भूलें। और ऐसी मैं अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। और आप लोग जरूर बताइएगा ज़रूर आप लोगों को ब्लॉग वीडियो अच्छे लगते हैं या फिर कुकिंग वीडियो अच्छे लगते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोग को अच्छे लगे हों, ये वाली हलवा की रेसिपी। तो आप अपने अपने घर में बनाइए सिंघाड़े के आटे की हलवा और भोग लगाइए मैया रानी को। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। फिर से जय माता जी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।